हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरा बर्थडे लुक। सो जो लुक है मैंने अपने बर्थडे में क्रिएट किया था एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड आप लोगों ने मुझसे इसका ट्यूटोरियल मंगा था। सो हियर इट इज़ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लूम का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। ये प्राइमर की तरह भी वर्क करता है एंड मॉइस्चराइज भी करता है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से। सो मैंने इसे मॉइस्चराइज़र की जगह अप्लाई किया है एंड लिटरली ये काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को। एंड गाइस, इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना वो रोज़ की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रोज़ की फ्रेग्रेंस, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये वाला प्राइमर। गाइज, अमेज़ॉन पे स्टार्ट हो गई है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स, डील्स एंड डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। फैशन में आपको मिलने वाला 80% तक का ऑफ एंड आपको ब्यूटी स्किन केयर में मिलने वाला 50-60% तक का ऑफ। बहुत अच्छी डील है, जल्दी से जाओ एंड अपने विश लिस्टेड प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करो एंड उन्हें परचेज करो एंड बहुत सारा पैसा बचा लो। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है लोटस का इको स्टे इंस्टा स्मूथ परफेक्टिंग प्राइमर। ओ माय गॉड, कितना लंबा नेम है ये वाला ना प्राइमर। एंड ये मैटिफाइंग ऑयल फ्री प्राइमर है फॉर ऑल स्किन टाइप। ये आपके स्किन को ना अच्छे से स्मूथ कर देता है एंड आपके जो पोर्स वगैरह हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है लॉरियल पैरिस का इनफेलेबल 24 आवर्स मेट कवर फाउंडेशन। गाइस, लिटरली ये फाउंडेशन ना अभी एकदम मेरा फेवरेट बन चुका है। इसमें मेरा शेड है कैरमल बेज। इतना अच्छा फाउंडेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज है एंड मैं क्या ही बताऊँ इसका फॉर्मूला, आई डोंट नो क्या है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इनफैक्ट मैंने तो सिर्फ ब्रश से ब्लेंड किया, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी अच्छी कवरेज है एंड काफ़ी लंबे समय तक भी आपके फेस पर टिका रहता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टे भी है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का HD पेन कंसीलर इन दी शेड 04 मीडियम बेज। माय ऑल टाइम फेवरेट अफोर्डेबल कंसीलर। गाइस, स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। इसकी लिंक मुझे अभी नहीं मिल रही है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती। बट हाँ, सेम फॉर्मूला इसका जो स्विस ब्यूटी का दूसरा वाला कंसीलर आता है ना, उसका भी है। उसकी लिंक मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले एकदम सेम है। नेक्स्ट, मैंने अपना फेस ना बिल्कुल भी पाउडर से सेट नहीं किया है, मुझे नीड ही नहीं लग रही थी। एंड मैंने यूज़ किया है ये ईबा कॉस्मेटिक्स का क्रीमी ब्लश। गाइज, ये भी अभी मेरा एकदम ना फेवरेट बन चुका है, इतना अच्छा ब्लश है एंड यू कैन सी कि कितना ज़्यादा मैंने ख़त्म कर चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाती है ब्लेंड करने में। एंड मैंने इसे ना पैक की एक ब्रश है जिससे मैंने इसे ब्लेंड किया है, AB#02 ब्रश है जिससे मैंने ब्लेंड किया है। नेक्स्ट, फॉर कॉन्टोरिंग मैंने यूज़ किया कलर सेंस का ये कॉन्टोर पाउडर। गाइज, बहुत ही अच्छा कॉन्टोर पाउडर है, काफ़ी सटल सा कॉन्टोर करता है ये आपके फेस को, बहुत ज़्यादा वैसे ब्राउनी सा नहीं लगता है, यू कैन से कि ब्रॉन्ज कर देता है आपके फेस को अच्छा खासा। सो इसे मैं अपने कॉन्टोर एरियाज़ में अप्लाई कर रही हूँ, लाइक हॉलोज ऑफ माई चीक, फोरहेड एंड चीक बोन एंड थोड़ा सा नोज पे। एंड देन मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल। काफ़ी अच्छी पेंसिल है गाइज एंड अफोर्डेबल भी है। सो ये रिट्रैक्टेबल वाली पेंसिल है, एक तरफ आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है और एक तरफ आपको स्पूली मिलती है। सो इससे मैं अपनी जस्ट नेचुरल लाइन को ड्रॉ करती हूँ एंड दैट्स इट। फिर मैंने इसे स्पूली से ब्रश कर लिया एंड दैट्स इट। फॉर आई शेडो मैंने यूज़ किया आई मैजिक का प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स 16 कलर आई शेडो पैलेट। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाई हूँ, मैं आप बाजू में पिक्चर डाल दूँगी मैंने कौन सा वाला यूज़ किया है इसका। मैं विंकी शेड लेकर एंड अपने एज अ ट्रांजिशन अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं इसका बबल शेड लेकर एंड इसे जस्ट अपने फिंगर टिप से अपनी लिट पर बस अप्लाई कर रही हूँ। मेरी ड्रेस से एकदम मैच कर रहा था ये वाला कलर, मरून टाइप का है, सो इसलिए मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। फॉर आईलाइनर मेरे पास है ये मेबली न्यूयॉर्क का कोलोसल बोल्ड आईलाइनर। दिस इज़ माय फेवरेट आईलाइनर गाइस, काफ़ी बोल्ड लुक देता है ये आपको, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड मैट फिनिश भी प्रोवाइड करता है आपको एंड वन स्ट्रोक पिगमेंटेशन है गाइज इसकी। सो इससे मैं ना जस्ट सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, नो विंग लाइनर नथिंग, बहुत ही सिंपल मैंने लुक क्रिएट किया, आप देख ही सकते हो, कोई भी आसानी से क्रिएट कर सकता है।
फिर मैंने सेम कलर्स को अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई किया है, यू कैन सी, क्योंकि अगर आप लोअर लैश लाइन पर कुछ भी अप्लाई नहीं करते हो ना तो वो बहुत ही वियर्ड सा लगता है, कनेक्टेड नहीं लगता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर एंड इससे मैंने अपनी लिप्स को लाइन किया है। ये ना आपको 12 और 15 का सेट मिल जाता है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। नेक्स्ट मैंने ये लिप्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। फर्स्ट मेरे पास है मार्स की लिपस्टिक इन दी शेड नो फिल्टर 03 एंड सेकेंड मैंने इसके ऊपर से अप्लाई किया है शुगर की लिपस्टिक क्रेयॉन लिपस्टिक प्लम क्रश क्रीम क्रेयॉन इन दी शेड 09 पीच पिक्सी। फॉर हाइलाइटर ऑल टाइम फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर इन दी शेड प्रीसियस पेटल। एक्चुअली मैंने ना मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर अप्लाई किया था बट वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने ये अप्लाई कर लिया एंड दैट्स इट। दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल एंड टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।